छोटे बच्चे और मेरी मदर जिनकी एज 73 ईयर्स है, वो हम सब लोग पुरी आए थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। वो सब करने के बाद हम भुवनेश्वर आए, खांडीगिरी उदयगिरी की पहाड़ियाँ देखी, और इन बिटवीन मेरी मम्मी के साथ एक एक्सीडेंट हो गया। वो गिर गए और उन्हें बहुत चोट आई, सर पे चोट आने की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहे थे, और एमरजेंसी में हम यहाँ पर आए फर्स्ट एड के लिए। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि वो उनकी चोट जो है उनका फ्रैक्चर हो गया है गर्दन में, और उनको इमिजिएटली सर्जरी की ज़रूरत है। इसी बीच हमसे मिले, मैं आपको उनका नाम बताती हूँ, बहुत अच्छे पर्सन हैं और उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया। उनका नाम है श्री सुकांत साहू, असिस्टेंट मैनेजर GND डिपार्टमेंट, और उन्होंने हमें बहुत मॉरल भी सपोर्ट किया और सब कुछ गाइड किया, एडमिट करवाया एमरजेंसी में, सब कुछ किया। और अकेले होने की वजह से, और स्पेशली जो मेरे बच्चे एक 5 साल का है और एक 8 साल का, वो रोते जा रहे थे, उनको भी मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से अटेंड किया। उसके बाद डॉक्टर सुनील पात्रा आए और उन्होंने हमें पूरा स्टेटस बताया कि इनके लिए सर्जरी का होना कितना ज़रूरी है, उन्हें मूव नहीं किया जा सकता, उन्हें कहीं और लेकर नहीं जाया जा सकता, और उन्हें सर्वाइव करने के लिए वो सर्जरी बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने भी हमें मॉरली और हर तरह से सपोर्ट किया और हमें एडमिट करवा दिया। उसके बाद उन्होंने सर्जरी की, सर्जरी बहुत सक्सेसफुल रही, एमरी हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, और यहाँ पर जितना भी स्टाफ है सब ने हमें कोऑपरेट किया। सब कहते थे कि बाहर से आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्हें बहुत दिक्कत आ रही होगी, तो इन्हें सपोर्ट करो। सब ने, सिस्टर्स हैं चाहे डॉक्टर्स हैं, कोई भी है, सब ने सपोर्ट किया। और डॉक्टर सुनील पात्रा और सुकांत साहू का तो मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। इसके अलावा मेरे पास 2-4 नाम और हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, और मैंने उनकी लिस्ट बनाई है। एक है मधु सुनीता बहन, ऐश्वर्या, सरस्वती, और स्पेशल थैंक्स अगेन सुकांत साहू एंड डॉक्टर सुनील पात्रा अलॉन्ग विद लक्ष्मी सिक्योरिटी। शी वॉज वेरी नाइस टू अस, एंड आज की डेट में हम डिस्चार्ज हो रहे हैं, और मेरे बच्चों को घर से लेने आ गए थे इसलिए वो चले गए, तो आज मैं बहुत खुश हूँ और खुशी खुशी अपनी मम्मी को लेकर जा रही हूँ। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। मैं इस हॉस्पिटल की, यहाँ के स्टाफ की, और जिन्होंने भी हमारा साथ दिया उनकी हमेशा आभारी रहूँगी कि मैं अपनी मम्मी को अपने साथ सही सलामत लेकर जा रही हूँ। थैंक यू सो मच।